हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस। इन दिस वीडियो अबाउट क्रिमिनल्स, गुनहगार, आरोपी, द पर्सन who does some crime is known as criminals. In this video, we shall learn about the different types of crimes and what they are called in English. So, let's begin. What is an offense? Offense या अपराध क्या है? ऑफेंस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ए लॉ और ए रूल। इट इज अ पनिशेबल एक्ट। किसी भी नियम या कानून को तोड़े जाने को गुनाह कहते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है। Who is a criminal? गुनहगार कौन है? A person who commits crime is a criminal. जो आदमी गुनाह करता है उसे गुनहगार कहते हैं। What do you call a person who abducts children? ऐसे आदमी को क्या कहते हैं जो बच्चों को अगवा करता है? A person abducting children is called child lifter. जो बच्चों को अगवा करता है उसे बच्चा चोर कहते हैं। Who is a chain snatcher? चेन लुटेरा किसे कहते हैं? A person who snatches the neck ornaments and flees is a chain snatcher. जो लोगों के गले से चेन या मंगलसूत्र जैसी चीजें खींचते हैं उसे चेन लुटेरा कहते हैं। What does a pickpocketer do? पॉकेटमार क्या करता है? A pickpocketer robs you of your money, purse or wallet by stealth in a crowded place. Stealth यानी कि गुपचुप, आपको पता लगे बगैर। पॉकेटमार भीड़ भाड़ वाली जगह पर चुपचाप लोगों की जेब काटता है या बटुआ मारता है। What do you call people who forcefully abduct people for ransom? उन्हें क्या कहते हैं जो लोगों को फिरौती के लिए अगवा करते हैं? एब्डक्ट यानी कि अगवा करना। People forcefully abducting others for ransoms are called kidnappers. जो लोगों को फिरौती के लिए अगवा करते हैं उन्हें किडनैपर्स कहते हैं। What do you call a person who illegally seize aeroplane? Seize यानी कि जब्त करना। उस आदमी को क्या कहते हैं जो हवाई जहाज जबरदस्ती कब्जा करता है? Person who illegally seize aeroplane is called hijacker. जो हवाई जहाज जबरदस्ती कब्जे में लेता है उसे hijacker कहते हैं।
Who is a terrorist? आतंकवादी कौन होता है? A person who use unlawful violence or terror against civilians is a terrorist. जो अनैतिक तरीके से या हिंसा से नागरिकों के मन में आतंक पैदा करता है उसे आतंकवादी कहते हैं. What does a contract killer do? कॉन्ट्रैक्ट किलर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी एग्रीज टू किल द टारगेट इन एक्सचेंज ऑफ सम फॉर्म ऑफ पेमेंट मॉनेटरी और अदरवाइज. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दो पार्टियों के बीच का एक समझौता है जहां पर एक पार्टी किसी को मारने की सुपारी लेती है. यह पैसे या किसी अन्य चीज के लिए किया जाता है. व्हाट इज ए रेप? बलात्कार क्या होता है? अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स carried out forcibly or under threat of injury against a person's consent is called rape. किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से बलपूर्वक या डरा धमका कर किया गया संभोग को बलात्कार कहते हैं. Who is a murderer? कातिल कौन होता है? A person who kills other person for any other reason is called a murderer. जो आदमी किसी भी कारण से दूसरे का कत्ल करता है उसे कातिल कहते हैं. What is blackmailing? Blackmailing क्या होता है? The action of demanding payment or other benefits from someone in return for not revealing, compromising or damaging information about them. किसी को डरा धमका कर या किसी गुप्त बात या राज से विवश करके धन आदि हड़पने को ब्लैकमेलिंग कहते हैं. Who is a con man? Con man किसे कहते हैं? A con man cheats or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. कॉनमैन यानी कि ठग, जो आपका भरोसा जीतकर आपको ठगता है, ऐसे आदमी को कॉनमैन कहा जाता है. Who is a thief? Thief किसे कहते हैं? A person who steals another person's property, especially by stealth and without using force or violence. जो दूसरे के माल को चुपचाप बिना किसी हिंसा के चुराता है उसे thief यानी कि चोर कहते हैं. What is mugging? मगिंग क्या होता है? किसे कहते हैं मगिंग? An act of attacking and robbing someone in public place is mugging.
जो दूसरों को सार्वजनिक जगहों पर लूटते हैं, उसे मगिंग कहते हैं। What is the act of bringing products secretly or illegally into the country called? देश में गुप्त रूप से अवैध वस्तु लाने को क्या कहते हैं? The act of bringing products secretly or illegally into the country is called smuggling. देश में गुप्त रूप से अवैध वस्तु लाने को स्मगलिंग या तस्करी कहते हैं। What is a white collar crime? White collar crime किसे कहते हैं? White collar crimes refers to financially motivated non-violent crime committed by business or government professionals. किसी सरकारी अफसर या किसी बिजनेसमैन द्वारा पैसे या कागजों के हेर फेर को सफेदपोश अपराध कहते हैं। What do you mean by shoplifting? Shoplifting किसे कहते हैं? Shoplifting is the action of stealing goods from the shop while pretending to be a customer. ग्राहक होने का ढोंग कर दुकान से सामान चुराने को shoplifting कहते हैं। What is arson? Arson किसे कहते हैं? Arson is the criminal act of deliberately setting fire to property. संपत्ति को आग लगाने या आगजनी को arson कहते हैं। What do you call a person who forcefully robs you of your belongings? उसे क्या कहते हैं जो आपकी संपत्ति जबरदस्ती लूटता है? The person who forcefully robs is called a decoy. जो संपत्ति जबरदस्ती या हथियार के बल पर लूटता है, उसे डकैत कहते हैं। Who is a serial killer? Serial killer कौन होता है? A person who commits a serial of murders, often with no apparent motive and typically following a characteristic predictable behavior pattern, is a serial killer. जो सिलसिलेवार तरीके से बिना किसी मकसद के एक के बाद एक कत्ल करता है, उसे सीरियल किलर कहते हैं। What is eve teasing? Eve teasing किसे कहते हैं? Eve teasing is the making of unwanted sexual remarks or advances by a man to a woman in a public place. स्त्रियों या लड़कियों से छेड़छाड़ या बद्दे टिप्पणी करने को ईव टीजिंग कहते हैं। Who is a stalker? Stalker किसे कहते हैं? A person who harasses or prosecute someone with unwanted and obsessive attention. जो दूसरों का पीछा करके उसे तंग करता है,
उसे स्टॉकर कहते हैं। बिहाइंड द बार, दिस इज ए फ्रेज विच मीन्स सलाखों के पीछे। ही हैज स्पेंट 6 months बिहाइंड द बार्स, उसने 6 महीने सलाखों के पीछे काटे हैं, यानि कि वो 6 महीने जेल में था। These were some of the common crimes. There are many other types of crimes. How do you find my video? Please write in the comment box. Friends, if you find my video interesting, subscribe for it. And don't forget to press the bell icon so that you may get the notifications of my new videos. Press the like button. You can also press dislike button. अगर आपको पसंद नहीं आया, लेकिन बटन जरूर दबाएं। इससे हमें पता चलता रहता है कि हमारा वीडियो आपको कैसे लग रहा है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट माई यूट्यूब चैनल एकता स्किल्स एंड इंप्रूव योर इंग्लिश नॉलेज। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।